नमस्कार, न्यूज विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफी समी। विधानसभा चुनाव झारखंड में नज़दीक है। अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तैयारी कर रही है। जिस तरह से असम के मुख्यमंत्री लगातार झारखंड में हैं और साथ ही साथ परिवर्तन महारैली का भी आयोजन बीजेपी के द्वारा होने को है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय नाथ सहदेव जी। जानेंगे जिस तरह से विधानसभा के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी की तैयारी, या फिर यूँ कहें कि असम के मुख्यमंत्री का लगातार यहां कैंप या फिर महापरिवर्तन रैली कितना इफेक्ट पड़ा सकता है कांग्रेस और जेएमएम को। देखिए, जिस तरीके से आप देखते होंगे कि हिमंता बिश्व शर्मा जिस तरह की बातें कर रहे हैं, वो साफ दिखता है कि वो हताश हो चुके हैं। और जिस तरीके से उनको हरियाणा या जम्मू कश्मीर और इसके अलावा महाराष्ट्र से उनको जो रिपोर्ट्स मिलती थी कि यहाँ पे बीजेपी की हालत ठीक नहीं है, तो झारखंड में इनको भेजा गया कि झारखंड में कुछ बहुत परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन झारखंड के अंदर में माननीय हेमंत सोरेन जी के लीडरशिप में इंडिया गठबंधन यहाँ पे अच्छा काम कर रही है। आप देखेंगे जो कांग्रेस के भी मंत्री हैं लगातार, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, डॉक्टर इरफान अंसारी साहब, वन्ना गुप्ता जी, ये सारे लोग, दीपिका पांडे, ये सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और माननीय हेमंत सोरेन जी को जिस तरीके से जेल भेजा गया और डेवलपमेंट योजनाओं पे रोक लगाने का प्रयास था, उनकी जो लोकप्रियता थी उसको भी कम करने के लिए झूठे मुकदमे में उनको जेल भेजा गया। और मैया सम्मान योजना की तरह की जो जनता को डायरेक्ट जिसमें लाभ मिल सके, ऐसी योजनाओं से वो सारे हताश हो चुके हैं गवर्नमेंट के काम से। मुख्यमंत्री के लीडरशिप स्किल और उनके जो जो ओवरऑल जो उनका एक करिश्मा, उनका जो आप देखेंगे पूरे राज्य में जो उनकी एक छवि बनी है, उससे वो घबरा के इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि आप मूल देखेंगे तो जो बीजेपी के लीडर्स यहाँ पे आते हैं तो वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं कि बांग्लादेश के घुसपैठिए जो हैं ये इनकी बात ही सिर्फ वो करते हैं। जबकि आप देखेंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो केंद्र की बात है, होम मिनिस्ट्री की बात है, लेकिन वो राज्य के अंदर वो इस पर गंभीर नहीं है। वो सिर्फ एक इशू क्रिएट करके वो लोगों को पोलराइज़ करने के लिए कोशिश करते हैं। तो जो अगर डेवलपमेंट के एजेंडा पे अगर उनको विश्वास होता, उनको सही मायने में अगर परिवर्तन की बात करनी होती, तो ये बातें नहीं करके बुनियादी बातों पे वो इश्यूज़ पे बात करते हैं। लेकिन केंद्र की जो सरकार रही है वो लगातार अपने कामों से नहीं बल्कि लोगों को इमोशनल रूप से उनको ब्लैकमेल करके उनका वोट लेना चाहती है। हमारी सरकार जो है जो बुनियादी चीज़ हैं उस पर अच्छा काम कर रही है, और हमें और काम करने की ज़रूरत अगर है तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बनाने हैं, यहाँ के जो आदिवासी जो मूलवासी हैं उनके डेवलपमेंट की बात करनी है, उनके रोज़गार की बात करनी है, स्वास्थ्य सेवाओं को और कैसे बेहतर कर सके हमें इसकी बात करनी है। बट इस पर बहस जो है बीजेपी के लोग नहीं करते हैं। बीजेपी के लोग जो हैं वो डेमोग्राफी की बात करते हैं और वो हमेशा बहस को वहाँ लेके जाना चाहते हैं जहाँ पर दो कम्युनिटीज़ के बारे में बातें हों। ये मुझे लगता है कि अगर सही मायने में राज्य का डेवलपमेंट करना है तो हमें बुनियादी बातों पर ध्यान देना चाहिए। कैसे झारखंडियों को रोज़गार मिल सके, कैसे उनकी आर्थिक स्थिति और बेहतर हो सके, कैसे उनको हम और अच्छी स्वास्थ्य सेवा दे सके, और सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज अगर ऑपोजिशन पे हों या हम लोग भी काम करते हैं, तो सरकारी स्कूलों की स्थिति को कैसे और बेहतर कर सकें, कैसे हम यहाँ शिक्षा के स्तर को ऊपर लेके जा सकें ताकि यहाँ के जो आम लोग हैं, जो आम लोगों के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उनको हम अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें, हमें इस पर काम करने की ज़रूरत है। तो माना जाए कि इस बार जो चुनावी मुद्दा आप लोगों का होगा, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में आप लोग उतरेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी, हमारे लीडर राहुल गांधी जी हमेशा बुनियादी बातों को ठीक करने की बात करते हैं। इसके अलावा वो मोहब्बत की बात करते हैं कि अगर हमारे देश के अंदर सही मायने में डेवलपमेंट और शांतिपूर्ण एक माहौल रहता है तभी आप देखेंगे विकास की बात हो सकती है। और जिस तरीके से ये लोग डिवाइड करने की बात करते हैं, राहुल गांधी सभी को लेके आगे बढ़ने की बात करते हैं और समाज के अंदर सभी वर्ग को, चाहे वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों या मजदूरी का काम करने वाले हों, किसान हों या मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हों, हिंदू हों या मुसलमान हों, सरना हों, ईसाई हों, सिख हों, सभी धर्मों के लोगों को लेके मिलके, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोगों को लेके मिलके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लेकिन बीजेपी जो है वो सिर्फ फ़िरका परस्ती पे यकीन करती है और हमें उसे रोकना पड़ेगा। और जो बहस का जो विषय है, बहस को हमें लेके जाना पड़ेगा कि हमें कैसे जो बुनियादी चीज़ें हैं, आज भी आप किसी गांव में जाएं या शहर के मोहल्ले में जाएं तो अगर किसी से आप जो डायरेक्ट वोटर से बात करेंगे तो वो बुनियादी बात करता है। कोई सड़क की बात करेगा, कोई नाली की बात करेगा,
कोई अपने घर के नक्शे की बात करेगा, किसी को कोई योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा उसकी बात करेगा, और अपने बेटे या बेटी के रोजगार की बात करेगा। तो कहीं ना कहीं हम रोजगार देने में असफल हो रहे हैं। केंद्र की सरकार जो है युवाओं को रोजगार देने में असफल रही है। जो वायदे किए थे इतनी नौकरियां हम देंगे, उतनी नौकरी क्या उसका आप कहेंगे तो 40% भी अचीवमेंट नहीं हो सका है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को रोजगार चाहिए, युवाओं को हाथ में काम चाहिए, और जो महिला समूह जो झारखंड के अंदर आप देखेंगे जो महिलाएं हैं वो काफ़ी मेहनत करती हैं, उनको भी स्वरोजगार के और साधन चाहिए, उन्हें हमें उस तरफ से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जिस तरह आपने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को रोज़गार नहीं दिया है, हाल के दिनों में मोदी जी आए थे, आपने भी उनका पूरा भाषण सुना होगा, क्या कहेंगे उनके भाषण पर या फिर जिस तरह से सौगात की बौछार लगाने के दावे किए जा रहे हैं? देखिए, मोदी जी हमेशा चुनावी मोड में ही रहते हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, या फिर वो मुखिया का चुनाव भी होगा, तो हमेशा वो चुनावी मोड में रहते हैं और लोगों को वही बातें कहते हैं जिससे उनको वोट के लिए उनको बहका सके, उनको डाइवर्ट कर सके। तो उनकी बातों का कोई बहुत महत्व नहीं है। देश का प्राइम मिनिस्टर जब बोलता है तो उसको देश की जनता को उसको पत्थर की लकीर लोग मानते थे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री जब बोल रहा है जो बाद में जुमला साबित हो रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री की बात को भी लोग अब हल्के में ले रहे हैं, जुमले के रूप में ले रहे हैं। अंतिम प्रश्न रहेगा, चूँकि हटिया विधानसभा से आप प्रत्येक चुनाव भी लड़ चुके हैं, इस बार कैसी तैयारी है और क्या फीडबैक है? देखिए, चुनाव की तैयारी वो करते हैं जो जनता के बीच नहीं रहते हैं। मैं लगातार पिछले 2005 से जनता के बीच ही रहा हूँ, वो महापौर के रूप में भी लोगों के बीच रहा हूँ। जब मैं चुनाव नहीं जीत पाया 2019 के चुनाव में, मैं कांग्रेस का प्रत्याशी था, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी था, मैं चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन लोगों के बीच रहा हूँ। अपने आप को एक सेवक के रूप में हटिया विधानसभा और आसपास के लोगों के लिए मैं हमेशा लगा रहता हूँ। तो आप अगर चुनाव के लिए पार्टी मुझे मौका देती है तो जिस जनता जनार्दन के लिए मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जो आम लोग हैं यहाँ के वो हमारा साथ देंगे और इस बार हम इस सीट को ज़रूर जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय नाथ सहदेव जी, जिन्होंने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो दावे हैं और वादे हैं केवल चुनावी है, धरातल पर कुछ नहीं उतरता है। साथ ही साथ खुद के चुनाव लड़ने को लेकर के भी साफ कहना है कि पार्टी ने अगर मौका दिया तो बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सहयोगी राकेश के साथ रफी समी, न्यूज विंग, रांची। डोंट वरी सर, घर आपको टाइम पर मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपकी उंगलियां भी बरतेंगी। ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूँ मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।